एवरीवन, वेलकम टू लाइफी टॉक्स। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रव्या सारडा, और मैं लेकर आती हूं आपके लिए इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद इंटरेस्टिंग पीपल ऑन माय शो लाइफी टॉक्स। आज के हमारे गेस्ट है राजेश कावा। चाहे हैरी पॉटर में डेनियल रेडक्लिफ की आवाज़ हो या लॉर्ड ऑफ रिंग्स में ऑरलैंडो ब्लूम की, साउथ मूवीज में सुपरस्टार्स जैसे महेश बाबू, धनुष या विजय की आवाज़ हो या छोटा भीम में जग्गू की, ये सारी आवाज़ें हैं एक ही शख्स की और वो है राजेश कावा। राजेश कावा इंडिया के बहुत ही रिनाउंड वॉइस एक्टर है। राजेश कावा एक डबिंग आर्टिस्ट है जिन्होंने कई सारी इंग्लिश मूवीज से लेके साउथ मूवीज डब की है। सो प्लीज वेलकम द मैन बिहाइंड मेनी वॉइसेस, राजेश कावा। हेलो राजेश जी, वेलकम टू माय शो लाइफी टॉक्स। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ रविया जी, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, वाकई मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बट राजेश जी, इससे पहले हम शुरू करें, कैन वी स्टार्ट लाइक, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस? जी नमस्ते, मैं हूँ राजेश कावा, मैं एक वॉइस एक्टर हूँ। अब बहुत ही आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो लोगों के जहन में तत्काल कोई ये चीज नहीं आएगी कि वॉइस एक्टर क्या होता है। तो एक ये तो सोचेंगे कि ये क्या मिमिक्री आर्टिस्ट होंगे, नहीं नहीं, रेडियो में काम करते होंगे। ये दो चीजें आती है आवाज को लेकर ध्यान में, और कुछ नहीं आता। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रेडियो पर जो बोलते हैं वो है आरजे, मिमिक्री करते हैं वो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, हम जो हैं वॉइस एक्टर्स हैं। हम अपनी आवाज देते हैं अलग अलग किरदारों को, फिल्मों में, कार्टून, एनिमेशन, हर जगह, प्रकार प्रकार के जो भी हैं, हर जगह प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग वॉइस एक्टर्स हैं, और हम लोग एक भाषा से दूसरी भाषा में जो आप तक जो चीजें पहुंचती है, लोकलाइजेशन जिसको कहते हैं, उसमें आवाज देते हैं। तो मैं हूं वॉइस एक्टर। ओके राजेश जी, आप इंडिया के सबसे फेमस वॉइस एक्टर हैं। अगर ऑडियंस यहाँ गूगल करेगी वॉइस एक्टर्स इन इंडिया, तो लीडिंग लोगों में सबसे पहले आपका नाम आता है। एंड व्हेन इट कम्स टू डबिंग और वॉइस ओवर्स फॉर द मेल वॉइसेस, यू आर द फर्स्ट चॉइस। सो व्हेन एंड हाउ डिड यू चूज दिस एज अ करियर? ये कहानी है, मैं आपको बताऊं। मैं पहले तो कट टू कट अगर फ्लैश में जाऊं तो मैं 1997 मैं 12th में था। मैं 12वीं में पढ़ रहा था मुंबई कॉलेज में, और 12वीं 12th के बाद मैंने इंटर कॉलेज कंपटीशन ड्रामा और सब एक्टिंग करता था मैं एज एन एक्टर। मैं गुजराती हूँ और मुंबई में गुजराती थिएटर काफी रिच है, तो मैंने 12th के वेकेशन से ही मैंने गुजराती थिएटर में जो बैक स्टेज वाला जो काम होता है, जिसको आम भाषा में लोग अगर समझेंगे स्पॉट बॉय वाला काम, तो बैक स्टेज वाला वो जो काम होता है गुजराती थिएटर में, वो करना शुरू कर दिया 1997 की बात कर रहा हूँ। कुछ थिएटर में, कुछ प्लेस में मैं काम भी किया एज एन एक्टर, गुजराती सीरियल फिल्म। ये चला सिलसिला 97, 98, 99 तक। उसके बाद मैंने एक रैंडम कॉल के जरिए डबिंग में आया, और मुझे पता भी नहीं था क्या है क्या है, लेकिन हाँ इतना पता था कि अपनी ही ये काम से जुड़ा हुआ कोई चीज है, अपनी लाइन की कोई चीज है। तो फिर धीरे धीरे करना चाहा, सीखना चाहा, उसमें उतरना चाहा, लोगों को देखकर काफी कुछ चीजें सीखनी चाहिए। तो वैसे डबिंग शुरू हुई, लेकिन डबिंग शुरुआत करने के बाद भी लगभग एक आध साल तक मेरा पहला प्यार एक्टिंग ही था। मैं गुजराती थिएटर में काफी व्यस्त था, लेकिन वॉइसिंग का ये जो समंदर है डबिंग का, जितना गहरा गया मुझे पता चला कि अरे बाप रे, काफी चीजें हैं, कार्टून से लेकर अंग्रेजी फिल्मों से लेकर डिस्कवरी टाइप के नरेशन जो आते हैं शोज में, वो कमर्शियल एड्स, रेडियो ड्रामास, कितनी चीजें हैं, बस आप देखते जाएं। तो फिर वो जैसे मैंने सब कुछ करीब से देखा, तो फिर मैं मुझे जैसे काम मिलता गया तो मैं उस तरफ डाइवर्ट हो गया, मतलब हर कॉमेडी किरदार की तरफ मैं हूँ, हर एनिमेशन में हीरो मैं हूँ, है ना, बेबलेड, फिर हाँ रेगुलर होने हो गया, और इस तरह से मैं रेगुलर वॉइस एक्टर के तौर पे, यस यस। लेकिन एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं कि 2002 मतलब 99 से एग्जैक्टली शुरू की डबिंग मैंने, 99 2000 2001। मैं गुजराती हूँ इसलिए गुजराती में डबिंग शुरू की मैंने काफी, क्योंकि एक तो भाषा का, चलो एक किस्सा तो सॉर्टेड है, भाषा तो अपनी है, मुझे लैंग्वेज आती है, फिर कुछ टेक्निकलिटीज है वो जो करनी है, कि कैसे डब बोलते हैं, कि कैसे लिप सिंक करते हैं, वो सीख लिया करते करते मैंने।
लेकिन हाँ फिर मैंने हिंदी पे थोड़ा ध्यान दिया, हिंदी पे, क्योंकि हर एक का होता है वो, पंजाबी का एक्सेंट आता, मराठी एक्सेंट, तो ऐसे गुजराती का मुझे एक्सेंट आता था वो एक, तो उस पे थोड़ा काम किया। और फिर पहला मेरा शो, सुपर हिट शो जो आज भी ब्रांड है, बेब्लेड, बेब्लेड वो जो काइंड ऑफ एक भंवरा होता था, घुमाते थे लाइट, तो बेब्लेड वो सुपर हिट शो था, बच्चों में बहुत ही वो क्रेज था। तो उसका मैं, उसमें हीरो, सेकंड हीरो था मैं, रे, और एक नेगेटिव कैरेक्टर भी उसी शो में, क्योया, तो रे और क्योया, पॉजिटिव नेगेटिव इन सेम शो, तो वो मेरा पहला सुपर हिट शो था और तब से लोग मेरे काम को जानने लगे थे इंडस्ट्री में। So this is how you started doing your performances, and that's interesting. Yes. So thank you. Rio seems to be very fun and good fit for you. But when you started, were you able to earn and make a living out of it? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है आज भी इंडिया में ऐसी धारणा है कि वॉइस एक्टिंग जैसे प्रोफेशन में क्या पैसा कमाएगा आदमी. So if you can clear these thoughts. Yes. मैं बहुत अच्छे शब्दों में मैं क्लियर करना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आवाज को लेकर सिर्फ एक ही काम पता था लोगों को, आरजे बनना, वो बात 100% सही है, लेकिन वो कुछ सालों पहले तक था। अभी आवाज को लेकर, जैसे कि मैं वॉइस एक्टर हूँ, वैसे आप भी वॉइस एक्टर बन सकते। वॉइस एक्टर आज की तारीख में नाम, काम और पैसा तीनों कमा रहा है। उनके पास काम भी है, काम तो आप देख ही सकते हैं, जैसे अगर मैं ऐसे गिनाऊं तो 12 से 15 कार्टून चैनल्स हैं, राइट, 10 से 12 इंफोटेनमेंट चैनल्स हैं, लाइक डिस्कवरी एंड ऑल, एनिमल प्लैनेट, एनजीसी, सोनी बीबीसी, अर्थ, काफी सारे। उसके अलावा कोई भी चैनल देख लीजिए, फिल्मी चैनल, हर जगह साउथ की फिल्म हिंदी में चल रही है, या तो अंग्रेजी फिल्म, हिंदी, फॉरेन लैंग्वेज फिल्म हिंदी में चल रही है, वहां पे भी वॉइस एक्टर्स, पॉडकास्ट, वहां पे भी काफी रेडियो ड्रामा टाइप के जो शो चल रहे हैं, लव स्टोरी, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, हर जगह वॉइस एक्टर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर ये जो इतने सारे ओटीटीज हैं, अद्भुत शोज, अमेजिंग मूवीज, क्या क्या आ रहा है, अगर वो हिंदी में है तो अंग्रेजी या बाकी लैंग्वेज में डब हो रहा है, अगर वो इंग्लिश है तो हिंदी में और बाकी लैंग्वेज में डब हो रहा है, तो वहां पे भी वॉइस एक्टर। तो पहले इससे ये मुद्दा क्लियर होता है कि काम है, वॉइस एक्टर बिजी है, ठीक है, इसीलिए मैं अभी 22 साल हो गए मैं एक्टिंग की तरफ वापस नहीं जा पाया। आप समझ मतलब इतना काम है। हाँ काम है, और कुछ बातें हो रही है, मैं बेशक एक्टिंग की तरफ मुड़ूंगा स्वेच्छा से, लेकिन हाँ वॉइसिंग में काफी बिजी हूँ। वॉइसिंग में अगर इंसान इतने साल से कर रहा है तो क्या सिर्फ काम मिल रहा है इसलिए कर रहा होगा? इसमें आपको एक प्रेजेंटेबल, अच्छे पैसे भी मिलते हैं, जिससे आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार को पाल सके और भी अपनी इच्छा पूरी कर सके, मतलब आप समझ सके, ठीक है। तो आप और सबसे बड़ा इसमें पॉइंट है वो है फ्रीलांस, हम फ्रीलांसर हैं, मैं जब चाहूं तब छुट्टियां कर सकता हूं, मैं जब चाहूं तब कुछ कोई भी प्रोग्राम कर सकता हूं, तो मैं बंधा हुआ हूं नहीं। जैसे अगर ऑडियो का काम मैंने जैसे कहा, रेडियो, आरजे या कुछ और चीज, जहां इंसान बंद जाता है, लेकिन ऑडियो यानी कि आवाज का ये काम, वॉइस एक्टर, जहां मैं फ्रीलांसर भी हूं, पूरी तरह से आजाद हूं, तो ये सारी चीजें हैं। तो और ये वॉइस, आवाज, जबान आज की तारीख में कितनी मायने रखती है आपको पता है, ये जो आज की तारीख में जो चारों तरफ हालात है, प्रकार प्रकार की चीजें होती हैं, कुछ भी जो शुरुआत शब्दों से ही होती है, जबान से ही होती है, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जबान ये मैजिक है, जादू मैजिक है, हर किसी को ये सीखना चाहिए, जिससे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली बात है वो भी उभर के बाहर आती है, बोलने से काफी चीजें हो जाती हैं। राजेश जी, क्राफ्ट के तौर पे भी देखें और इंडिविजुअल भी देखें, खुद की शख्सियत को सुधारने के लिए। जी जी जी, राजेश जी, जैसे आप बता रहे हैं अबाउट वॉइस एक्टिंग एंड यू नो इट्स एन इंटरेस्टिंग करियर टू टेक, बट एक वॉइस एक्टर का टिपिकल डे कैसे शुरू होता है, जैसे आपका टिपिकल डे, व्हाट डू यू डू? पर्टिकुलरली अगर मेरी बात करें तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, और मैं सुबह नाश्ता करके, प्री वर्कआउट करके मैं जिम जाता हूँ, मेरी आदत रही है सालों से, तो थोड़ा थोड़ा मैं वर्कआउट करता हूँ जब भी वक्त मिलता है। उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग होती है लगभग 10 बजे के आसपास से, मुंबई शहर में अलग अलग स्टूडियोज में, तो हर रोज लाइनअप होता है,
लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग कैसी होती है, कुछ कुछ घंटों की होती है, जैसे सुबह 10 से 1 है, उसके बाद लंच ब्रेक है, और फिर मैं शायद 2 बजे से किसी और स्टूडियो में हूँ, 2 से 5 है या 2 से 4 है, फिर 4 से 8 है, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में, कहीं मैंने फिल्म की है, कहीं कमर्शियल एड की है, कहीं नरेशन वाला प्रोग्राम किया है, तो कहीं ओटीटी का कोई शो या फिल्म कर रहा हूँ। तो हर क्लाइंट अलग है, हर वेंडर अलग है, हर स्टूडियो अलग है, वैसे लाइनअप किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है। जैसे आज मुझसे परसों का, नर्सों का, सोमवार का, मंगलवार का टाइम मांगा जाता है कि सर सोमवार को सुबह 10 से 2 हम कर रहे हैं। राइट, तो ये सीन। ओके, एंड व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर जॉब? बाकी लोगों का नजर ये अलग हो सकता है, लेकिन मैं बहुत एकदम साफ नजर से कहूँ और साफ दिल से कहूँ तो मैं थिएटर से जुड़ा हूँ, एक्टिंग से जुड़ा हूँ, तो जो परफॉर्मेंस होती है, अलग अलग किरदार निभाने को मिलते हैं, और आज की तारीख में इतने किरदार अलग अलग, जैसे स्पेशली नेटफ्लिक्स और अमेजोन और बाकी शोज में होते हैं, इतनी सीरीज होती है, तो वहां कभी मैं नेगेटिव कर रहा हूँ एकदम खूंखार, हार्डकोर, साइको, सनकी, तो कहीं मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, पागलपन, मैडनेस, तो कहीं मैं बहुत ही जेंटलमैन टाइप का बंदा कर रहा हूँ, तो वो अलग अलग जो चीज मुझे परफॉर्म करने को मिलती है, और हम तत्काल उस कैरेक्टर में घुसते हैं, स्विच हो जाते हैं उसमें, बाहर, हाँ स्विच हो जाते हैं और तुरंत बाहर आ जाते हैं। मैं सुबह ये कर रहा था, सुबह हो सकता है कि मैं एकदम कॉमेडी कैरेक्टर कर रहा हूँ, लाइक दोपिंदर फ्रॉम डेडपूल, हमारा तो जूता घिस गया भाई, तो ये किरदार है, तो कॉमेडी कर रहे हैं, हंसते खेलते, तो ये हो। और आफ्टरनून में कोई आप इंटेंस कैरेक्टर भी कर रहे हैं, नहीं भाव जी, सिर्फ आपकी उम्मीदें पर खरा उतरने वाली बात नहीं है, तो ये चीज भी हो सकती है, तो वो पागलपन है एक्टिंग का। और शाम को कुछ हम काम कर रहे हैं, इमोशन कैसे लाते हैं आप? वो तो सालों का अनुभव है, और हाँ कलाकार तो है ही अंदर, हर वॉइस एक्टर में, की वजह से भी है ये 100% एक्टिंग में मुझे ये बहुत ही काफी, एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग जो ड्रामा है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक्टिंग में एक्टिंग चाहिए, वॉइस एक्टिंग में भी वॉइस एक्टिंग चाहिए, डबिंग चाहिए, है ना, वॉइस उसमें भी एक्टिंग चाहिए, तो दोनों में वो चीज जरूरी है। और हाँ, मेरा रूट वो है, थिएटर है, तो वो एक्टिंग को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ, बहुत ही ज्यादा मायने रखता हूँ। और जैसे मैंने कहा, सुबह कुछ अलग, दोपहर को कुछ अलग, रात को कुछ, शाम को कुछ एकदम ही अलग, जैसे छोटा भीम का जग्गू भी हो सकता है, वो तो अलग ही आवाज है, जैसे हमेशा सारी चीजें मशीन से नहीं होती है, मैं ना जग्गू बंदर हूं, तो अलग से तो ये अलग ही प्रकृति आवाज, ये अलग ही प्रकार है, तो ये चीज है, वो रंगीन दिन होता है हमारा, हर प्रकार के रंग है, कलरफुल। हाँ, आपने बताया अभी कि आपको बहुत ज्यादा क्या पसंद है अपने जॉब के बारे में, अब आप ये बताइए आपको क्या नहीं पसंद है? There must be something that you don't like about this job, anything. मतलब मैं आपको बताता हूँ, पसंद नहीं वाली चीज नहीं, बहुत जरूरी चीज है, लेकिन हाँ ये एक्चुअली ना वेंडर को पसंद है, ना साउंड इंजीनियर्स को पसंद है, ना वॉइस एक्टर्स को पसंद है, किसी को जो, लेकिन ये है, प्रोसेस है, जरूरी चीज, जैसे करेक्शंस, एक बार जो बेहतरीन चीज करके दी है तो उसमें करेक्शन आते हैं, जेन्युइन करेक्शन हमेशा एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे करेक्शन होते हैं कि नहीं यार, मतलब ये भी ठीक है, बढ़िया है, तो इसको क्यों ये करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि वो क्लाइंट की डिमांड है। तो करेक्शंस जो आते हैं, कभी शब्द चेंज किए जाते हैं, कभी लाइन चेंज की जाती है, कभी कहा जाता है कि ये अनक्लियर है, लेकिन वो कहा क्यों अनक्लियर है, उसके पीछे भी कुछ वजह होती है कि यहाँ थोड़ा तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो वो कर रहा ही बोलेंगे, ये तो क्या कर रहा है, तो कर रहा है बोलेगा वो किरदार, तो सुनने वाले जैसे आप या बाकी ऑडियंस है, उनको लगेगा ये डबिंग डबिंग लग रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, जब वो नेचुरल लगे तभी ये क्या कर रहा है, करने को बोला था, करने को बोला था, बोला 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 तो तुझे करने को बोला था क्या, तो वो कहीं ना कहीं वो खटकती है चीजें, तो इस वजह से शायद अनक्लियर रखा गया, लेकिन हाँ चैनल का या जो भी क्लाइंट है उनका वो होता है कि नहीं यहाँ क्लियर चाहिए,
तो हमें करना पड़ता है। तो ये एक चीज है जो हमें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ये काम का एक हिस्सा है इसलिए हम करते हैं। बाकी मैं मेरी एक दिक्कत है, मैं टाइम भूल जाता हूँ कई लोगों के तो वो मुझे परेशानी होती है कि मैं कई बार वक्त देने के बाद भूल जाता हूँ, या तो एक साथ दो दो जगह वक्त दे दिया है, क्योंकि नोट करना हम भूल जाते हैं। क्योंकि हम जैसे आपका फोन आया, आप मुझसे कोई डबिंग के लिए टाइम मांग रहे और तब मैं रिकॉर्डिंग में हूँ और तो मैं किसी किरदार में हूँ, किसी मूड में हूँ। हाँ थर्सडे, ओके थर्सडे, हाँ चार से सात करेंगे, ठीक है ठीक, ओके थैंक यू बाय। याद है लेकिन याद नहीं है, जहन में है लेकिन पूरी तरह कहीं उतारा नहीं है, तो कहीं किसी और से बात कर रहे हैं, काम खत्म हो रहे हैं। थर्सडे तू करेगा ना भाई, 3 बजे से शाम तक कर रहा है तू, हाँ थर्सडे कर 3 बजे से, तो उसको 4 से 7 दिया और यहाँ 3 से 8 दिया है, तो मैं दोनों जगह कैसे हो सकता हूँ। तो ये चीजें जो कभी कभी गलतियां हैं, जो मुझे खुद की गलती है, पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ये पर कभी ऐसा हुआ है जैसे आप बता रहे हैं कि करेक्शंस की वजह से कभी किसी वेंडर या क्लाइंट ने ऐसे कहा कि मजा नहीं आ रहा? नहीं, मतलब ये सबके अब अलग अलग जो एंगल्स होते हैं कहने के, सुनने के, समझने के, लेकिन हाँ फाइनली तो जो वेंडर की, क्लाइंट की डिमांड है वही पूरी होती है। एंड आई एम डायरेक्टर एक्टर, एंड आई एम, जो मुझे हायर किया गया तो मैं उनको जो चाहिए वो दूंगा पूरी तरह से, लेकिन मुझे जो सही लगता है शायद मैं भी वो भी दे दूंगा, एक बार ऑप्शन दे दूंगा, उनको रखना रखे, ना रखना ना रखे। तो ये भी एक नजरिया होता है वॉइस एक्टर के जरिए, लेकिन नहीं आजकल वॉइस एक्टर को जो प्रोड्यूसर्स हैं, डबिंग डायरेक्टर्स हैं, बहुत पूरी तरह से साथ देते हैं, संभालते हैं, और डबिंग डायरेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नजरिया है, बहुत ही जबरदस्त होता है। लेकिन टीम वर्क है तो सबको ये माना जाता है कि हाँ आप क्या सोचते हैं मैं क्या सोचता हूँ, इसलिए राय ली जाती है। लेकिन आफ्टरऑल ये किया जाता है प्रोडक्ट के, फिल्म के, सीरीज के अच्छाई के लिए। Right, right. So you must be meeting every day different people, reading different scripts. कई scripts आप पढ़ते हैं, जैसे आपने बताया सुबह कोई और role कर रहे हैं तो शाम को कोई और, किसी और की आवाज में आप बात कर रहे हैं. But have you ever got rejected? मान लो आपने कई बार audition दिए हैं, अब तो आप बहुत बड़े level पर हैं, तो but मान लो audition दिए हैं, isn't it frustrating sometimes to get rejected, and how should one handle this feeling of rejection? मैं आपको बताऊं, मेरा पहला जो ऑडिशन था 1999 में, जो मैंने गुजराती एनिमेशन के लिए था, उसी में मैं रिजेक्ट हो गया था जोर से बहुत वो अलादीन के एनिमेशन के लिए था, अलादीन के कैरेक्टर गुजराती में करना था, तो वो तभी मैंने सोचा कि अरे ये तो कुछ अलग चीज है, ये तो मुझे करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मुझे क्यों नहीं आता है। तो आज की तारीख में जो ऑडिशंस लिए जाते हैं, अभी यहाँ ये चीज नहीं देखी जाती कि मैं वो कर पाऊंगा या नहीं, मुझे वो आता है क्या नहीं, यहाँ पे वो किरदार जो है एक्स वाई जेड, उस पे मेरी आवाज जाएगी कि नहीं, उस कैरेक्टर के लिए मेरी आवाज, मेरा जो जोन है, स्टाइल है, या वॉइस टेक्सचर है, एज ग्रुप है, है ना, ये मैच होता है कि नहीं, इसके लिए ऑडिशंस किए जाते हैं। और उस वजह से कि नहीं शायद बहुत बेस चाहिए या यंग चाहिए, नहीं अलग चाहिए या कुछ अलग, है ना, तो उस वजह से शायद रिजेक्शन होते हैं। और ये हमें पूरी तरह से स्वीकार है आज की तारीख में, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है जहां मैंने ऑडिशन दिया है और मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी, वहां अप्रूवल भी आया है। तो कुछ हाँ, तो नजरिया होता है सिलेक्शन कमेटी का, टीम का, चैनल का, तो कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ एपिसोड या कुछ सीन्स करने के बाद हमें लगता है कि ना इन्होंने करेक्ट सोचा है, मैं शायद खुद को नहीं सोच पा रहा था इस कैरेक्टर में इतना, नहीं है, जब ऑडिशन में, जब ऑडिशन के दौरान, लेकिन नहीं करेक्ट है, ये बहुत सही जा रहा है, मजा आ रहा है, तो वैसा होता है। बट रिजेक्शन को हैंडल कैसे करें? रिजेक्शन को सच कह रहा हूँ, मैंने जैसे आपको बताया हम काम कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो एक रिजेक्शन से ऐसा नहीं कि मैं घर बैठ जाऊंगा या मेरे पास काम नहीं, मैं काम रोज कर रहा हूँ, तो आपका मन जो है और आपका दिल और दिमाग वो लगातार बिजी है, आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे कोई वैसे खालीपन नहीं आ गया जीवन में कि अब मैं क्या करूं, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो मेरे लिए कुछ ला तो ऐसा खाली पर नहीं छाता है या, लेकिन हाँ
रिजेक्शन को आप एक नजरिए से देखें तो आपको समझना पड़ेगा कि रिजेक्ट हुआ है उसके पीछे वजहें होती हैं। तो जी। आप और किसी को सिलेक्ट किया गया है तो उसकी भी कोई वजह है, तो बस पॉजिटिव लें, क्योंकि उसी क्लाइंट के पास, उसी वेंडर के पास या उसी ओटीटी का, उसी चैनल का हमको अप्रूवल भी आया है और आता है और आता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्सनल टारगेट किया जाता, कुछ नहीं होता, रिजेक्शन रिजेक्शन और अप्रूवल रिजेक्शन चलता रहता है। ओके, नाउ वॉइस ओवर एक्टर्स गेट अ क्रिएटिव स्पेस, सबको जैसे आपने कहा फ्रीलांसिंग है या एक क्रिएटिव स्पेस मिल जाती है, विच इज प्रीटी फैंटास्टिक, बट हाउ सैटिस्फाइंग इट इज टू टेल अ स्टोरी एंड एक्सीड द क्रिएटर्स विजन, कितना सैटिस्फाइंग है ये? मतलब कैसे एग्जैक्टली, मैं समझा नहीं क्या, जैसे वॉइस एक्टर्स? हाँ, मैं कह रही हूँ कि वो जो सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, how satisfying it is, जैसे आपको, आप मान लीजिए आपके जो डायरेक्टर है या वेंडर है, उन्होंने आपको सब्जेक्ट दिया है, आपको एक क्रिएटिव स्पेस मिल जाती है, करेक्ट, आपकी आवाज देने के लिए, which is pretty fantastic, but ऐसे लगता है, you know, when you exceed जो डायरेक्टर है या जो you know the one who is creating this, उनका जो विजन है, आपने उस विजन को एक्सीड किया है, how do you feel about that? आमतौर पे क्या होता है कि मैंने फिर से आपको वही शब्द आपको कह रहा हूँ कि हम लोग प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, तो जो भी मैं, मुझे क्रिएटिव पूरी वो आजादी मिलती है, मैं खेलता हूँ अपने कैरेक्टर के साथ, लेकिन उन सारे पॉइंटर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है जो डायरेक्टर की तरफ से और जो ऊपर वेंडर की तरफ से, उन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए हम उस किरदार को निभाते हैं। कई बार क्या करते हैं हम लोग, जो दिख रहा है उससे ज्यादा करते हैं, कई बार दिख रहा है उससे कम करते हैं, लेकिन उसकी वजह यही होती है कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट है तो उसके साथ वाले कैरेक्टर्स के साथ उसका जेल होना, काफी चीजें। कई बार क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये तो टीम वर्क है, तो कोई कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत ही बॉडी बहुत ही यूज करते हैं बॉडी लैंग्वेज, लेकिन उनका बोलने का सुर बहुत अंडर है, यू डोंट नो कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मेरी बात, तो अगर बोल रहा है इतना लो और एक्टिंग इतनी लाउड कर रहे हैं तो समझ में ही नहीं आता कि हम बॉडी को जस्टिफाई करें डब करते वक्त, लैंग्वेज डब करते वक्त, कि उनका सुर पकड़े, क्योंकि आमतौर पर हम लोग सुर पकड़ते हैं लेकिन कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी पकड़ते हैं, तो यहाँ तो दोनों बहुत विपरीत जा रहा है, बहुत ऑपोजिट जा रहा है, तो हमें डिस्कशन करना पड़ता है कि नहीं, ये कैरेक्टर का मूड क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कॉमेडी क्या है, तो वैसे हम लोग आते हैं, शायद कहीं बीच में आते हैं कि नहीं थोड़ा ऐसा, तो वो चीज है, तो मतलब हर चीज में अगर एक्सीड हो रही है बात कहीं कहीं ना परे, तो उसको कहीं ना कहीं नाप तोल के रखना पड़ता है, हमारी सोच हो या डायरेक्टर की सोच हो। जी 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 राजेश जी, जैसे आपने मुझे थोड़े समय पहले बताया था दैट यू नो सुबह आप किसी और कैरेक्टर में हो तो फिर किसी और कैरेक्टर में, यू नो यू आर गोइंग इनटू डिफरेंट स्टूडियोस फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, बट व्हेन यू गो बैक होम हर कैरेक्टर को आप यू नो जस्टिफाई करते हो, जब आप घर जाते हो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेटिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ? अभी आपको मैं बताऊं कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी वाइफ है, मेरी 10 साल की बेटी है, मैं 10 साल मेरी बच्ची के साथ खेलते हैं, धमाल करते हैं हम लोग, तो सीन ये है कि मैं इंटेंस कैरेक्टर करता हूं या जो भी करता हूं, लेकिन वो स्टूडियो में से बाहर निकलने के बाद अगर है तो भी 5 मिनट 10 मिनट फिर वो निकल जाती है, चीज निकालनी पड़ती है, क्योंकि हम किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, किसी ना किसी के साथ कोई क्लाइंट है ना, ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है हम किसी के, तो ये डाइवर्ट करना आ गया है खुद को, और ये चीज बहुत काम करती है हमारी पर्सनल लाइफ में भी और आर्टिस्ट वाली लाइफ में भी, इससे बहुत फायदे होते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज मेरे ख्याल से हर किसी को, ये जो कहते हैं ना कि जो परिस्थिति और वक्त के हिसाब से बिहेव करना, वो वाली चीज है यहाँ, तो कुछ मैंने बहुत मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली क्राइम स्टोरीज नेटफ्लिक्स का शो जो वो दिल्ली वाला बस I remember, निर्भया
तो उसमें मैंने वो हिंदी शो था और वो मैंने इंग्लिश में डब किया था. ओके. दैट मेन वो नेगेटिव कैरेक्टर दैट वो जो रेपिस्ट था वो उसको इतना साइको सन की कैसा एक्टर था, गजब था वो एक्टर. एक्टर अच्छा था. तो उस एक्टर को डब करना और उस टाइप के कैरेक्टर को, तो मैंने कहा कि ये तो हम रात को करेंगे भाई, मतलब ये चाहिए मूड उसमें. तो हम लोग रात को करते थे वो एपिसोड्स. क्योंकि उसका जो इंटरोगेशन वाला सीन था पुलिस स्टेशन में और वो उसने जब जो बोला है सब कुछ, और कितना क्या परफॉर्मर है वो, जो भी मैं कहूंगा. लेकिन मेरे लिए या तो अननोन फेस, वेरी फर्स्ट टाइम उनको स्क्रीन पे देखा. जी आई रिमेम्बर जब मैंने देखा था, आई थिंक फॉर अ वीक मेरे दिमाग में था ये सब. तो इसलिए मैं अलग ही जोन में, मैंने कहा हम रात को ही डब करेंगे भाई. तो कुछ चीजों के लिए हमें तय करना पड़ती है, कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ती है. बाकी हम बहुत तत्काल स्विच करते हैं, स्विच कर सकते हैं. ओके. यू आल्सो हैव अ वॉइस एकेडमी जहां लिटरली यू टीच हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन विद योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, हाउ टू प्रेजेंट योर वॉइस और परफॉर्म. तो और कुछ बताना चाहेंगे अपने एकेडमी के बारे में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा. मैं 22 साल से डबिंग तो कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, लेकिन काफी लोगों के, कई लोगों के सवाल आते थे इंटरनेट पे, मतलब सोशल मीडिया के जरिए कुछ ना कुछ पूछते थे. तो मुझे लगा कि मुझे तो नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ का ये आइडिया था. उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा, क्योंकि गाइड करना बहुत बड़ी बात होती है अकेडमी. फिर हमने शुरू किया, मैंने अपने मित्र हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया, वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी विद राजेश कवा. हमने साथ में शुरू किया, काफी बैचेस लिए, काफी सिखाया, काफी लोग, काफी स्टूडेंट्स जो अभी लीड कर रहे हैं, कोई नेटफ्लिक्स के लिए डब कर रहा है, कोई ऑडियो बुक कर रहा है, कोई एनिमेशन कर रहा है. तो अच्छा लगता है. और अभी रिसेंटली अंधेरी के भी एक स्टूडियो के साथ, मयूखी वॉइस एकेडमी, उनके साथ भी कोलैबोरेट किया, वहां पे भी मैं सिखा रहा हूँ. तो मुंबई में दो जगह सिखा रहा हूँ मैं, वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी बोरीवली और मयूखी अंधेरी. और दोनों जगह के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं प्रोफेशनली. ये मेरे लिए मतलब गर्व की बात है, अच्छा लगता है. और नॉट ओनली इन मुंबई, मुंबई में तो फुल कोर्स है, लेकिन मैंने दिल्ली में दो वर्कशॉप लिए, दो अहमदाबाद, एक पूना, एक नागपुर. और अभी रिसेंटली मैं पटना जाने वाला था, लेकिन वहां पे हालात खराब थे बिहार में, उस वजह से वो कैंसिल करना पड़ा. और अभी मैं अगले महीने अहमदाबाद, सूरत और बाकी काफी जगहों जाने वाला हूँ. जो वर्कशॉप होते हैं ओनली फॉर 2 डेज, सैटरडे संडे. तो ये चाहत है, ये पागलपन है या जुनून है, जो भी कह लें आप, कि इस क्राफ्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है, जो भारत के कोने कोने में, न सिर्फ भारत के, दुनिया के हर, तो काफी लोग जो चाहते हैं जानना कि ये चीज क्या है. ये अगर जान चुके हैं तो उन्हें सीखना चाहते हैं, तो शायद वो मुंबई नहीं आ सकते हैं कुछ वजहों से. तो कोशिश यही रहती है कि हर शहर में जाकर हम ये करें. आप वर्कशॉप्स लेते हैं, यू गाइड देम. यस यस जी. सो आर देयर एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस नीडेड फॉर दिस जॉब टू बिकम अ वॉइस एक्टर? नो. आप पढ़ सकते हैं ठीक ठाक. पहले तो मैं हिंदी फोकस करूंगा, क्योंकि ज्यादा काम हिंदी में होता है. आप हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, ये सबसे पहले चाहिए. और बाकी बेसिक आपको मालूमात होने चाहिए शब्दों के अंग्रेजी में, तो अच्छी बात है. अंग्रेजी अच्छी है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं है थोड़ी बेसिक हो तो अच्छी बात है. तो बस इतना कि मतलब उसके लिए मुझे 12th पास, ग्रेजुएट चाहिए या MBA भी, ऐसा कुछ. कोई कलाकार है, कलाकार कहीं भी हो सकते हैं राविया जी, आपको पता है अच्छी तरह. जी एब्सोल्युटली. एंड फॉर दिस लाइन ऑफ वर्क इज देयर एनी सैलरी रेंज? नहीं, ये पूरी तरह से जैसे मैंने कहा फ्रीलांस वाला काम है, तो अनुभव के हिसाब से, किरदार के हिसाब से और जो काम है उस हिसाब से, हर जगह अलग पैसे हैं. तो मैं किसी एक अमाउंट को कह के या एक रकम कह के मैं लोगों को दिमाग में सपने नहीं बनाना चाहता, और ना ही उनको किसी गलत दिशा में धकेलना चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी चीज का अलग काम है. उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, मैं कोई एक फिल्म कर रहा हूँ, वो फिल्म में मैं हीरो डब कर रहा हूँ. वो फिल्म अगर मैं DVD रिलीज के लिए कर रहा हूँ, तो उसका उसको मैं 2.5 घंटे में कर लूंगा,
और उसके पैसे भी मुझे इतने मिलेंगे, उतने मिलेंगे। वो अगर मैं, हाँ वो मैं अगर करूंगा टेलीविजन के लिए, सैटेलाइट के लिए, तो उसको करने में मुझे 5-6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे 8 घंटे, और उसके पैसे ज्यादा होंगे। ओटीटी के लिए होगा तो शायद 10-12 घंटे लगेंगे और पैसे होंगे। थिएटर रिलीज फिल्म है वो ही फिल्म, तो मुझे वो करने में लगभग 15-20 घंटे लग सकते हैं। वही किरदार हीरो, और उसका वो फीस भी, रेम्यूनरेशन भी अलग होगा जी, जी। क्योंकि सबका माध्यम अलग है, पहुंच अलग है, सबकी रीच अलग है जी। तो ये चीज है, ये हर एक चीज में ये लागू होता है, फिर वो एनिमेशन हो या ओटीटी हो या ऑडियो बुक्स। Correct. So fantastic. Rajesh ji, we have come to end of our discussion. Jate jate, is there any piece of advice you would like to give to people who want to enter in this field? Definitely, मैं कहना चाहूँगा सभी को, जो भी पहले तो उनको ही नहीं, जो सिर्फ एक वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं, मैं तो जो भी ये रैंडम भी कोई देख रहा है उनको भी कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में बोलना और सुनना, सुनने का पावर भी खत्म हो चुका है लोगों में जी। मतलब कोई दो व्यक्ति, दो इंसान बात कर रहे हैं तो एक बोल रहा है तो दूसरा सुन नहीं रहा है। 70-80% आज की तारीख में वो ये सोच रहा है कि इसका खत्म होने के बाद मैं क्या बोलूंगा। ओके, ठीक है। तो जो लिसनिंग पावर है लोगों को सुनने का, कि मैं सुनूं और रिएक्ट करूं, वो मतलब खत्म हो चुका है। सुनने के लिए नहीं सुन रहा है, जवाब देने के लिए सुन रहा है। हाँ, जवाब देने के लिए भी नहीं, मतलब इनका खत्म हो जाए। हाँ 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 हाँ, तो मैं वही कह रहा था, मतलब वो तैयार है अपनी चीज के साथ जी, तो जी। उनको वो सोच रहे होते हैं कि मैं अगला क्या कहूंगा, इनका खत्म हो जाएगा, तो वो लिसनिंग पावर भी खत्म हो गया है। तो मेरा कहना यही है कि सबको वो पावर को बढ़ाना चाहिए सबसे पहले, और बोलने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, फिर वो आप ये काम करना चाहते हैं तो भी, नहीं करना चाहते तो भी, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व का, एक शख्सियत का, पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर आप ये काम के तौर पे करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये जो काम है वो पूरी तरह से बढ़ गया, ना सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, हर लैंग्वेज में होता है, क्योंकि रीजनल डिमांड है चैनल का और सबका। उसके अलावा सबसे पहले आप अपनी भाषा पे काम करें, हिंदी पे काम करें, वॉइस एक्टिंग पे काम करें, ड्रामा पे काम करें, उसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन यानी कि आवाज बदलने वाली जो चीज है उस पे काम करें, और उसके बाद आप सोचें टेक्निकलिटीज कि मैं हेडफोन पहनूंगा, हाथ में स्क्रिप्ट होगी, सामने वीडियो होगा, और चार चीजें, तीन चीजें मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो टेक्निकलिटीज वो सबसे आखिर में, वो बाद में सोचें, सबसे पहले जरूरी है लैंग्वेज एंड एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग, इस चीज पे काम करें। फैंटास्टिक राजेश जी, बड़ा मजा आया आपसे सुनकर, एक अलग ही इनसाइट मिला है, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन लाइफी टॉक्स एंड शेयरिंग योर जर्नी। जो भी आपने एडवाइस दिया है, होप ऑडियंस कुछ सीखे और हमें बेनिफिट मिले, हम सभी को बेनिफिट हो इस एडवाइस से। सो थैंक यू सो मच अगेन, इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पर आकर, और मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके जरिए मैं और मेरा ये क्राफ्ट है ये काफी लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।